मैं श्री प्रहलाद जोशी जी, माननीय संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री भारत सरकार को आज के इस शुभ समारोह में अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। माननीय गृह मंत्री, देश के वरिष्ठ नेता, हमारे मार्गदर्शक श्रीमान अमित शाह जी, श्री अनिल कुमार जैन सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कोल, श्री बीपी पति जी जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कोल हु इज लुकिंग आफ्टर दिस गो ग्रीन प्रोग्राम ऑल्सो, सारे अतिथि बंधु, मैं माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी का उद्घाटन के लिए हमने विनंती की। आजकल हम सब देख रहे हैं कोविड के स्थिति में इतने व्यस्तता के बावजूद भी ये कार्यक्रम में स्पेशली गो ग्रीन ये जो कार्यक्रम हम बना रहे हैं, इसका वृक्षारोपण प्रोग्राम वन महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन और कई इको पार्क का उद्घाटन और कई इको पार्क का शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रूप से करने के लिए उन्होंने सहमति दिया और इसके कारण ये कार्यक्रम का गरिमा भी बढ़ गया है। इसलिए मैं उनको फिर एक बार हार्दिक स्वागत भी करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने देश को एक नया दिशा देने और विशेषतः सुरक्षता प्रदान करने में माननीय अमित शाह जी का बहुत बड़ा रोल है, ये सब हम जानते हैं। कई माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कहीं इतना निर्णय ऐसा निर्णय हुआ है वो इतिहास में स्वर्णाक्षर में वो लिख के रखने के लिए लायक है। ऐसे बहुत अहम उन्होंने मुद्दा उठा के उनको सुलझा भी दिया है। वो टेररिज्म लेके नक्सलिज्म तक देश में अभी सुरक्षता का एक भाव सबको लग रहा है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये अमित शाह जी का क्रेडिट में जाता है, ये मैं विनम्रता से ये कार्यक्रम के शुरुआत में मैं कहना चाहता हूँ। मैं इस कार्यक्रम के हर वर्ष हम वृक्षारोपण कार्यक्रम तो लेते हैं, थोड़ा इसका स्तर ऊंचे नीचे हो सकता है, लेकिन एक तो जरूर होता है, अभी आजकल दुनिया में जब हम कोयला का खनन करते हैं और कोयला का उपयोग करते हैं तब सभी लोग तो कोयला के खिलाफ बात करना एक फैशन भी बन गया है। थोड़ा उसका एनवायरनमेंट इंपैक्ट होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इंपैक्ट नहीं होता है, लेकिन एक तो होता है तो हम जो अच्छा काम करते हैं वो तो कभी कोई नहीं देखते हैं। तो हमने बहुत बड़ी मात्रा में हमने प्लांटेशन अभी तक किया है, 157 मिलियन मींस 15 करोड़ हमने अभी तक 1.57 मिलियन मींस लगभग 16 करोड़ हमने अभी तक ट्री प्लांटेशन किया है वो 25,000 हेक्टर में। और इस बार विशेषतः हम 7,000 हेक्टर ब्रोकन एरिया में मीन्स जहाँ खनन हुआ है हम 1.7 करोड़ सैपलिंग बनाने का वो जो हमने वृक्षारोपण करने का निर्णय अभी हमने किया है। और आज ही हमने 150 जगह में देश के 10 राज्यों में ये वृक्षारोपण हो रहा है और कम से कम 1.5 लाख के ज़्यादा लोग ये कार्यक्रम सोशल मीडिया के रूप से और
कई जगहों में डायरेक्टली उधर वृक्षारोपण कार्यक्रम में सम्मिलित होके वो अपने कार्यक्रम और माननीय गृह मंत्री जी का जो उद्बोधन होने वाला है उसका इंतजार कर रहे हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलुरु में है वो एक स्टडी किया था 5-6 बरस पहले, अराउंड 6-7 ईयर्स बैक एक स्टडी हुआ था। उसमें उन्होंने ये कहा था, दैट रिपोर्ट वॉज इंडिकेटिंग एक आदमी के लिए 7 पेड़ चाहिए फॉर द गुड ऑक्सीजन, अच्छे ऑक्सीजन एक आदमी को मिलना है तो 7 पेड़ चाहिए। लेकिन भारत में और दुनिया में कई जगहों में अभी ऐसा स्थिति है, रिक्वायरमेंट है एक आदमी के लिए 7 पेड़, लेकिन आज के स्थिति में 7 आदमी के लिए 1 पेड़ है। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर का एक स्टडी रिपोर्ट है। ये सभी जगह है, ये भारत में ऐसे नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन कई जगह में है ऐसा इंडियन इंस्टीट्यूट का एक रिपोर्ट है। तो वो मन में रखते हुए कोल इंडिया के तरफ से, सिंगरेनी कोलफील्ड के तरफ से और एनएलसी के तरफ से हमने एक बहुत बढ़िया अभियान लेने का एक निर्णय इस बार हमने किया है। सेक्रेटरी साहब ने कितने कितने हम कर रहे हैं ये ऑलरेडी आपके सामने रखा है। तो एनवायरनमेंट के साथ ही साथ एक बहुत बड़ा हमारा जिम्मेदारी है, हमारा जो डिमांड ऑफ द एनर्जी है वो एनर्जी पूरा करने का। भारत सरकार भी है, मोदी जी से आने पहले इसका स्थिति क्या था आप सब पता है। अभी 5-6 बरस में हम बहुत अच्छे तरह से, इन अ वेरी गुड क्वांटिटी, वी हैव इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। फिर भी क्वालिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड 24/7 सप्लाई, ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी भी इतना दो बीइंग इंडिया बीइंग द नेट एक्सपोर्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, हम इस क्षेत्र में स्पेशली इन द विलेजेस अभी भी हम 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं कर पा रहे। कीपिंग दैट इन माइंड, हमको कोयला निकालने का, कोयला खनन करने का ये तो अनिवार्य है। हम सब देखते हैं, हम सब अवगत भी है, चाइना 3.58 बिलियन टन कोयला उत्पादन करता है, उसका वो बर्न भी करता है, जलाता भी है और बहुत सस्ते दर में, बहुत सस्ते प्राइसेस में वो अपने जो इंडस्ट्री है उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। इसके कारण हम कभी कभी, हमारा इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव भी नहीं होता है। हम ऐसे ही स्टडी कर रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के निर्देश के अनुसार एक्सपोर्ट के बारे में एक स्टडी हम कर रहे थे। ऐसे प्रधानमंत्री जी, हम सब लोग जो है अभी अभी मंत्रिमंडल ज्वाइन हुआ है, उन लोगों को कभी कुछ काम देते रहते हैं, ऐसे हम सब लोगों को कुछ तो कुछ काम देते रहते हैं हमारा डिपार्टमेंट के अलावा। उनको बोला था ऐसे ही आप एक्सपोर्ट के बारे में स्टडी करो, ऐसे बोला था। हमने एक्सपोर्ट के बारे में जब स्टडी करना शुरू कर दिया, प्रधानमंत्री कभी कभी पूछते हैं, हमारा प्रधानमंत्री बहुत याद रखते हैं, मैंने तुमको बोला था क्या कि आप स्टडी ऐसे पूछते हैं, इसलिए हमने थोड़ा डीप स्टडी करने का कोशिश किया। तब बहुत लोग एक तो चीज बोलते थे हमको, देखिए साहब और तो कुछ है लेकिन इसमें और एक मुद्दा है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बहुत ज्यादा है, इसलिए हमारा एक्सपोर्ट जो एंड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है दैट विल बिकम कॉस्टली, इसके लिए हमको कोयला का उत्पादन करना और सस्ते दर में हमको बिजली सप्लाई करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए हमको पर्यावरण के साथ, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
दुनिया में भारत कैसे पर्यावरण के बारे में लीडरशिप ले रहा है हम सब जानते हैं। इसलिए हमको तो एक कोयला तो हमको निकालना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ ही साथ हमको पर्यावरण का कितना ख्याल रखना है उतने ज्यादा ही हम नखरे का निर्णय इस बार हम लेके एक ही दिन में 6 लाख हम आज ही दिन के 150 प्लेसेस में एक ही दिन में हम ये ट्री डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, कम से कम 4 लाख आज ही प्लांटिंग भी कर रहे हैं। और हमको ये क्यों करना पड़ रहा है, एक तो हमको कोयला निकालना अनिवार्य है क्योंकि कम से कम आगे वाले 30 सालों तक कमिंग 30 इयर्स वी शुड अंडरस्टैंड वन थिंग विथ द कोल ओनली द कोल विल बी द मेजर रॉ मटेरियल फॉर आवर इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर आवर एनर्जी मिक्स। कोल एटलीस्ट फॉर 30 इयर्स विल बी द मेजर, देयर विल नॉट बी मच सब्स्टिट्यूट दो 175 गीगावाट प्राइम मिनिस्टर हैज गिवन द एम्बिशियस टारगेट। We are following that even Coal India and our subsidiaries, we are participating in renewable energy and we are promoting that. ये कहते हुए भी हमको कोयला से भी हमको बिजली भी बनाना है और कोल गैसिफिकेशन, कोल लिक्विफैक्शन ये सब करते हुए एनर्जी सिक्योरिटी देश को देने का काम हमको जरूर करना पड़ेगा। इसीलिए हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है। और कभी कभी प्रधानमंत्री जी भी मुझे बहुत बार बोला है कि देखो अगर आप क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करते हैं तो ये ठीक है, लेकिन कोल इम्पोर्ट करते हैं तो ये बहुत बड़ा पाप है, इसमें आप काम करो, ऐसे बोलते मुझे बहुत उन्होंने मार्गदर्शन किया है। उसके कारण हम जो कोयला हमारे वे आर फोर्थ लार्जेस्ट रिजर्व है कोयला हमारा दुनिया के, फिर भी गत वर्ष लास्ट ईयर ऑल्सो हमने 1,50,000 करोड़ का 250 मिलियन टन हमने कोयला इंपोर्ट किया है। ये बहुत सोचने की बात है, देश के हित के लिए तो ये अच्छा नहीं है। इतना कोयला होते हुए भी तो हमको अब आज निर्णय करना पड़ेगा कोयला उधर और देशों में उत्पादन करके, चीन से कोयला, इंडोनेशिया से, ऑस्ट्रेलिया से हम कोयला लाके उधर जो कोयला निकालने के लिए हम उद्योग देते हैं, हम जॉब्स देते हैं, उधर करना है या इधर करना है, भारत में करना है और पर्यावरण को भी एक बैलेंसिंग फैक्टर रखते हुए करना, ये निर्णय हम देश के लिए करना है। इसलिए हमने जो 606 मिलियन टन लास्ट ईयर कोल इंडिया ने उत्पादन किया, इनफैक्ट मोदी जी आने के बाद जब पीयूष जी मंत्री थे तब माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने बहुत बड़ा इसमें उत्पादन में कोल इंडिया का हमने बहुत बड़ा स्टेप्स लिया है। उसके कारण तो पहले 2009 से 2014 तक सिर्फ 73 मिलियन टन का उत्पादन ज्यादा हुआ था, लेकिन 2014 से 2019 तक 163 मिलियन टन हमने ज्यादा किया है। वो 565 मिलियन टन का उत्पादन होता था, अभी 729 मिलियन टन कुल मिला के हम उत्पादन कर रहे हैं। फिर भी हमारा चैलेंज है, हमारा रिक्वायरमेंट है अराउंड 1 बिलियन, दैट इज 1000 मिलियन टन और 23-24 तक। और मुझे विश्वास है कोविड है और कोविड के ये जो खिलाफ हम लड़ रहे उसमें हम सक्षम भी होंगे। उसके कारण मुझे विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा इकोनॉमी भी आगे अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा और हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का इकोनॉमी अच्छे होने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करना और इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा उत्पादन करना और सप्लाई करना और सस्ते दर में सप्लाई करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये चैलेंज हम लेने के लिए जो हमारा रिक्वायरमेंट है दैट विल बी अराउंड 1200 to 1300 मिलियन टन बाय 23-24। उसके लिए हमने एक जो कमर्शियल माइनिंग किया है वो कमर्शियल माइनिंग का उद्देश्य इतना है जो कोल इंडिया आज के दिन में कर रहे हैं उसके अलावा जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसके लिए इंपोर्ट हम कभी भी नहीं करना चाहिए। इंपोर्ट के अलावा हम देश में जो कोयला उपलब्ध है वो कोयला को हमको यूज करना चाहिए। इसीलिए
हम कोल इंडिया को भी टारगेट दे के रखा है 23-24 तक 1 बिलियन टन वो उत्पादन करना चाहिए। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ऑलरेडी अनाउंस किया है, हम 50,000 करोड़ इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम एक बहुत बड़ा पूरा कोल इंडिया और कोल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बहुत बड़ा हम निर्णय लेने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ वो चर्चा चल रहे हैं, इसलिए मैं इस संदर्भ में और ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। कोल इंडिया हमारा बहुत बड़ा, दुनिया के बहुत बड़ा एक कोल प्रोडक्शन कंपनी है और आगे भी रहेगा, और जो कुछ भी कमियां होंगे वो वॉट एवर शॉर्टेज विल बी देयर दैट शॉर्टेज विल बी फुलफिल्ड बाय द कमर्शियल माइनिंग। एंड कमर्शियल माइनिंग भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का हमने बहुत अच्छा इसमें एक व्यवस्था करके रखा है, अपफ्रंट पेमेंट में हो और कहीं ऐसे जो कुछ भी है उसमें वेरी वेरी अट्रैक्टिव टर्म्स है हम ये कर रहे हैं। मैं इतना ही अंत में मैं निवेदन करता हूं सभी हमारा कर्मचारियों के भी, कोल इंडिया 1 बिलियन टन का हम टारगेट रख के आगे जा रहे हैं। उसके लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी हम कर रहे हैं और 16 नया ब्लॉक भी हमने अलॉकेट किया है और एक मंत्रालय भी हमने एक व्यवस्था भी की है जो नया हमको ब्लॉक कोल ब्लॉक्स मिलता है कोल इंडिया के लिए उसका सब क्लियरेंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे है वो क्लियरेंस जल्दी कराने के लिए तुरंत कराने के लिए हम मंत्रालय में भी एक व्यवस्था करके रखा है। हमारे सेक्रेटरी खुद उसका ही इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल दोस थिंग्स और हमारा तीनों कंपनी SCCL कोल इंडिया और NLCIL ये जो गो ग्रीन के बारे में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारा कमिटमेंट है जब हम इस धरती पे पैदा हुआ था जो हम इधर साउथ थोड़े लोगों छोड़ के बहुत लोग जो मोर देन 50-55 ईयर्स का जो लोग है जब हम पैदा हुए थे दिस ग्लोब एंड दिस ये जो धरती माता है वो बहुत सेफ थी, आगे भी आगे आने वाले जनरेशन के लिए भी वी हैव इट इज आवर ड्यूटी दैट हमको ये सेफ हैंड ओवर करके जाना है। ये कमिटमेंट के साथ कोल इंडिया और कोल सेक्टर काम करेगी, ये मैं माननीय गृह मंत्री जी के समक्ष में आप सबको आश्वस्त कर रहा हूं। मैं फिर से माननीय गृह मंत्री जी इस कार्यक्रम के लिए भाग लेने के लिए और इधर अपने घर में ये वृक्षारोपण करने के लिए अनुमति देके इसमें पार्टिसिपेट करके हमारा जो मॉरल है वो मॉरल उन्होंने बढ़ाया है और कोल इंडिया का उनका आशीर्वाद भारत सरकार के एक प्रमुख जिम्मेदार मंत्री के साथ हमारे ऊपर है, इसलिए मैं उनसे फिर से धन्यवाद करते हुए आप सबको धन्यवाद देते हुए मेरा वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।